कहा जाता है कि दिवाली खुशियों का त्योहार है। इसे हर देशवासी धूमधाम से मनाता है। दिवाली को रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। माना जाता है कि दिवाली अंधेरे पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। इस दिन लोग अपने अपने घर में तरह तरह के पकवान बनाते हैं, मिठाइयां बनाते हैं और नमकीन बनाते हैं। इस समय लोग परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन खाने के साथ साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। लेकिन इन सबके बीच कई बार हम मिठाइयों, तले भुले स्नैक और प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन कर लेते हैं, जो बॉडी के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। और इसी कारण बहुत से लोग इस दौरान पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। आपको बता दें कि इन फूड्स को खाने से बॉडी में कैलोरी की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिस कारण वजन तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में दिवाली के टाइम अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रहने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो किया जा सकता है। ये टिप्स आपको हेल्दी रखेंगे और वजन को भी कम करने में मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं उन टिप्स के बारे में, जिससे दिवाली में हेल्दी और फिट रहा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दिवाली के दौरान पोषण कंट्रोल करके खाने से आप कई तरह के परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की मिठाई खाना बहुत ज्यादा पसंद है तो उसका छोटा सा भाग आप खाएं। ऐसा करने से आपके हेल्थ से भी समझौता नहीं होगा और खाने का भरपूर आनंद भी ले लेंगे। इसके अलावा स्वस्थ शरीर के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर हाइड्रेट रहने से टॉक्सिन बाहर आते हैं और भूख को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। पानी के साथ हर्बल चाय और फ्रूट जूस का भी सेवन किया जा सकता है। कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। आपको बता दें कि दिवाली के दौरान संतुलित भोजन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन संयम बरतना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि मिठाई और तले हुए स्नैक्स के सेवन के साथ डाइट में कोई समझौता ना हो। सब्जियों और फलों का भी सेवन हो जाए। ऐसा करने से शरीर हेल्दी रहेगा और आप फिट रहेंगे। दिवाली का त्योहार खत्म हो जाने के बाद अपने बॉडी को डिटॉक्स जरूर करें। इसमें हर्बल टी और फाइबर युक्त डाइट को भी शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा और शरीर से विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिंस आसानी से बाहर हो जाएंगे। डिटॉक्स करने से शरीर हेल्दी रहता है और साथ ही दिवाली के समय या दिवाली से पहले बहुत सी पार्टी में जाना पड़ता है, जिसके कारण कई बार बाहर खाना खाना हो जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि दिवाली से पहले 2 से 3 दिन की टारगेट बना लें। ऐसा करने से आप ज्यादा कैलोरी के सेवन से बच सकेंगे। इस टिप्स पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट्स करके बताइए। ऐसी और टिप्स के लिए आप देखते रहिए जनभारत टाइम्स।